राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 28 अप्रैल से राजस्थान में वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही है कक्षा 11 के। बहुत सारे जिलों में है वो कक्षा 11 के सबसे पहले हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा। तो आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 के पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले और कैसे कैसे सवाल आएंगे आपके हिंदी अनिवार्य विषय में और किस प्रकार से आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा, तो वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। लगभग सभी जिलों का पेपर है वो एक ही पैटर्न पर आधारित होगा, जो बोर्ड का पैटर्न था उसी के आधारित है वो इस बार पैटर्न है वो वार्षिक परीक्षा का रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में, हिंदी अनिवार्य के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपका पेपर तो है वो सबसे पहले तो 80 नंबर का पेपर होगा आपके और 20 नंबर है वो आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे आपको। शिक्षा विभाग ने वार्षिक परीक्षा को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसमें 80 नंबर का आपके पेपर बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले पेपर में आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। देखिए ये आपको 10-10 नंबर या फिर 7-7 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला तो आएगा आपके काव्यांश, यानी कि वो 18-20 पंक्ति वाला काव्यांश होगा। काव्यांश में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे बोर्ड में आए थे अबसद वाले प्रश्न। काव्यांश यानी कि एक पद्यांश होता है उसमें अबसद वाले प्रश्न दिए जाएंगे, तो उस पद्यांश से अबसद वाले उन प्रश्नों के आंसर उसी पद्यांश में मिलेंगे। उसी के साथ एक गद्यांश भी आएगा, तो उसी गद्यांश के आधारित आपको अबसद वाले प्रश्नों के आंसर है वो उसी गद्यांश में मिलेंगे, जिसके आपको आंसर लिखने। तो 6 और 6 टोटल आपके यहाँ पर 6-6 नंबर के गद्यांश आएंगे जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको प्रश्न है वो पूछे जाएंगे अबसद वाले। टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 काव्यांश में और 6 गद्यांश में, इस तरीके से। फिर रचनात्मक तथा व्यावहारिक लेखन कक्षा 11 में आएगा। पहला तो आएगा एक निबंध, तो आएगा कंपलसरी है निबंध है वो 6 नंबर का, तो निबंध आएगा ही आएगा। जो ट्रेंड होता है वही निबंध आए वो लगभग आता है। आधुनिक विषय किसी विकल्प पर एक निबंध आएगा तो आपको लिखना है। फिर कार्यालय पत्र पूछा जाएगा, कार्यालय कोई भी पत्र है, अनौपचारिक आ सकता है औपचारिक, वो कार्यालय पत्र होगा, वो कार्यालय पत्र है वो एक आएगा। उसके बाद प्रिंट मीडिया के फीचर की बात करेंगे, तो प्रिंट मीडिया के फीचर वाले क्वेश्चंस और समाचार संपादकीय वाले प्रश्न है वो आपकी जो बुक होगी उसमें से आएंगे। प्रतिवेदन और आलेख भी पूछा जाएगा, एक प्रतिवेदन आएगा या फिर आलेख आएगा, दोनों में से एक सवाल है वो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो आरओ आपके जो बुक है वहाँ से भाग 2 काव्यांशों में से किसी एक अर्थ ग्रहण के 4 प्रश्न आएंगे, मतलब कि जो पद्य भाग है वहाँ से आपके 4 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर वाले। फिर 2 में से 1 काव्यांश के सौंदर्य बोध के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, जो 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। 2 का पद्य भाग है वहाँ से काव्यांश के सौंदर्य बोध वाले प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर वाले। उसके बाद कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कविता होती है उसके आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता किस प्रकार लिखी जाती है, कविता के क्या क्या होता है, कविता का कथात्मक क्या होता है, उस तरीके से कविता के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले, 3 प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद गद्य भाग में अर्थग्रहण संबंधित 4 प्रश्न 2-2 नंबर वाले आएंगे, 8 नंबर यहाँ पर होंगे। और पाठों के विषय वस्तु पर आधारित 5 में से 4 बोधात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि 3-3 नंबर के होंगे, मतलब 12 नंबर का यहाँ पर काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके वितान आती है, वितान में भी आपको पाठों के विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और 9 अंक की ये वितान आपके बुक है। उसके बाद विषय वस्तु पर आधारित 2 में से 1 निबंधात्मक प्रश्न आएगा वितान से, 6 नंबर का प्रश्न आएगा यहाँ से। फिर निर्धारित पुस्तकें आपके टोटल हिंदी अनिवार्य की आरओ भाग फर्स्ट हो गया, वितान भाग फर्स्ट हो गया और अभिव्यक्ति और माध्यम हो गए, ये NCERT द्वारा प्रकाशित है। तो इस तरीके से ये आपका कुछ इस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहने वाला, इस प्रकार का आपके पैटर्न रहने वाला है। और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न भी लेकर आऊँगा और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, और बहुत सारे पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो हमारे चैनल पर हमेशा बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन को प्रेस करके रखे, आगे भी आपको इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो प्राप्त होती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।